हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीसी क्लासेस। आज हम आपके साथ हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले इसमें कुछ फार्मूलाज होंगे जो आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए और उसी बेसिस पे आप क्वेश्चन बनाइएगा। और आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी, प्लीज किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर जरूर पढ़ें, ठीक है। क्योंकि जो मैं आज तरीका बताने जा रहा हूं बुक में आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, आप जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। और अभी रिसेंट एक राकेश कुमार यादव सर का जो बुक है इनके बुक में मिलेगा। इसमें हम आपको सोल्यूशन भी दिखाएंगे, पूरा एक पेज का सोल्यूशन है इनके बुक में भी। बट हम स्टेप जो खुद सर नहीं बताते हैं इस बुक में, ये जानते हैं कि अगर हम बुक में सब कुछ लिख ही दिए तो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने के लिए कौन क्यों कौन आएगा, ठीक है। तो खैर आप लोग ज्यादा समझदार हो और आज आप देखने के बाद आप खुद जजमेंट कर लेना। हम कुछ फॉर्मूला बताएंगे और उसके बाद फिर उसका जो लास्ट में टेक्निक है कि कैसे किसी क्वेश्चन को क्विक बनाया जाता है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जिनके क्लास में किया हुआ पिछले क्लास में तो ठीक है, जो आज नया बंदा वो देख ले और बाकी लोग रिविजन कर लो, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या है कि इसमें कुछ फॉर्मूलाज है वो आपको समझना है। जैसे कहने का मतलब कि अगर आपके सामने कभी ऐसा कोई, जब भी पहले तो लैंग्वेज दिया होगा, लैंग्वेज को पढ़ने के बाद अगर सबसे पहले इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि आपको पिक्चर ड्रॉ करनी होगी। अगर आप पिक्चर ड्रॉ कर पाओगे तो ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो पिक्चर ड्रॉ करने के बाद अगर कुछ ऐसा पिक्चर आता है आपके सामने, ठीक है, जहां पे ये डिस्टेंस दिया होगा आपके लिए और ये एच आपको निकालना हो, ये एंगल एक्स ये एंगल वाई, क्वेश्चन का लैंग्वेज दिया हो, लैंग्वेज देने के बाद अगर ऐसा फोटो ड्रॉ होता है तो इस फोटो के लिए जो फॉर्मूला होगा ए बट्टा क्या होता है भाई, एक्स माइनस, क्लियर। ये हाइट पूछेगी, हाइट कितना है, क्लियर। चलो पहले समझ लो फिर आपको टाइम दे देंगे नोट करने के लिए। अगला देखिए, अगर फोटो ड्रॉ करने के बाद अगर आपके सामने कुछ ऐसा फोटो आता है, ये थीटा ये 90 माइनस, मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये थीटा, ये फोटो ड्रॉ। अभी क्वेश्चन हम बनवाएंगे और उस पर देखेंगे कि जब जो हम 6 फोटो बनवाए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का कैसा भी क्वेश्चन आएगा इसी 6 फोटो पे वो बनेगा। तो अगर फोटो ड्रॉ करने के बाद अगर ये कुछ ऐसा पिक्चर आता है, ठीक है, और ये डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक बी दिया हो और ये आपसे हाइट पूछता हूं, एच इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। टोटल 10 स्टेप में क्वेश्चन बनता है और ऐसे में आपको क्विक अभी थोड़ी देर बाद ही बनवा देंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, अगर फोटो आपके सामने कुछ ऐसा बने, ठीक है, ए बी ये सी ये डी ये थीटा ये 90 में देख लेना, पिछले पिक्चर में अंडा बना हो तो मैच कर लेना, ठीक है। और यहां से डिस्टेंस एक्स ये ए और ये हाइट बी, अगर कुछ ऐसा फोटो बना आपके सामने एक्स बराबर अंडर रूट ए बी, ये फॉर्मूला है कैसे अलजेब्रा पढ़ने से पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, वही फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है। अगला फोटो देखते हैं कि अगर आपके सामने कुछ ये पिक्चर बन रहा है, बस सिर्फ पिक्चर याद रखना है कि कैसा फोटो बन रहा है मेरे सामने, ये खंभा होगा, ये पोल होगा या पहाड़ होगा, ये मकान होगा, मकान के ऊपर से ऐसा कुछ फोटो बने आपके सामने, हम थोड़ा सा डिटेल लेंगे। तो ये एबी का जो हाइट होगा क्या होगा जी, एच कॉर्टेक्स बटा कॉर्टेक्स माइनस, आपको सिर्फ वही फोटो याद नोट कर लो ना, चलिए नोट कीजिए जरा खड़ा से, अब हम मिटा देंगे, ठीक है। तो जरा फिर से चर्चा करेंगे, क्लियर, नोट कीजिए। चलो तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद थोड़ा और देखिए, इसमें दो पॉइंट होती है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई फोटो है, जैसे ये सूरज भगवान, ठीक है, ये सूरज भगवान है, यहाँ पे पॉल है, पॉल का जो शैडो पड़ेगा तो शैडो पड़ेगा उसी का शॉट जाएगा, तो ये शैडो जाने के बाद यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, तो इनकी आंखों से अगर वो सूरज भगवान को देखता है ये जो एंगल जाएगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, ठीक है।
या हिंदी में इसको उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। अब सूरज भगवान अगर इस लड़के को देखते हैं तो ये जो थीटा एंगल जाएगा, ये एंगल ऑफ क्या गलत है, लिखते जाओ भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर अवनमन कोण कहलाता है, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये एंगल ऑफ एलिवेशन। तो नीचे से देखते हैं हम तो एलिवेशन, एलिवेशन को आप ऐसे याद रखो, एलिवेटर से याद रखो या फिर एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है क्या, उठाना, ठीक है, अप करना, इसको याद रखना है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन को, डिप्रेशन कैसे, डिप्रेशन होता है मतलब कैसे पर्सन अगर डिप्रेस्ड हो जाए तो कैसे मुंह लटक जाता है उसका, तो वजह से नीचे देखने की बात होगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये थीटा एंगल, इसको अल्फा मान लो ये थीटा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा और एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट फोटो मेरा, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो कि ये 80 कोई पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ना होगा, तो पहाड़ कभी ऐसे नहीं होता है, ये पहाड़ ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ो जाओगे थोड़ा रेस्टिंग होगा, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे फिर थोड़ा रेस्टिंग होगा, पहाड़ थोड़ा ऐसे होता है, जैसे यहां से आगे चढ़े थोड़ा सा रेस्टिंग मिलेगा, फिर थोड़ा ऊपर गए फिर थोड़ा रेस्टिंग मिलेगा, फिर थोड़ा ऊपर गए थोड़ा रेस्टिंग मिलेगा, पहाड़ कभी ऐसे आदमी नहीं चढ़ता है, ठीक है, नहीं चढ़ पाया। सीढ़ी पे भी हम लोग चढ़ते थे, सीढ़ी को मैं कंसीडर करो, थोड़ा ऊपर चढ़े थोड़ा रेस्टिंग होता है ना, फिर ऊपर गए थोड़ा रेस्टिंग मिलता है, फिर ऊपर गए थोड़ा रेस्टिंग मिलता है, तो पहाड़ कुछ इस टाइप से होता है, मतलब पहाड़ होता है ऐसे हम लोग कंसीडर करें इंची टाइप से, बट चढ़ने का जो तरीका होता है ऐसे होता है। तो आप इसी टाइप से समझना कि ये पहाड़ है, ये जमीन के फ्लोर से पहाड़ की जो ऊंचाई है, अच्छा हम लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं एबी मीटर तक, यह एंगल क्वेश्चन नाउ सेम का सेम आएगा, 5% का चेंज नहीं करना, यह एंगल 30 दिया रहेगा, 45 दिया रहेगा, 60 दिया रहेगा, 1% का जो चेंजिंग बोल जाए कुछ चेंज नहीं करेगा, डिटो उठा करके देना है, जैसे कैसे एग्जाम में इस बार आया था आपको दिखाएंगे, हूबहू ना लैंग्वेज चेंज किया, ना एंगल, ना थीटा, ना डिस्टेंस, हूबहू डाला था। ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, आपसे पूछेगा कि ये पहाड़ की हाइट कितनी है, तो h हाइट बराबर होता है ab इनटू अंडर रूट 3 प्लस 1/2, आपसे क्वेश्चन क्या दिया जाएगा कि पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर है, बस यहां 100 पुट करो और आंसर, क्लियर, ठीक है। फिर हम इसमें क्वेश्चन बनवाएंगे, अब इसको जरा नोट कर लें, हाइट 80 है कि ab है, ये तो हाइट h है और ये बंदा चढ़ रहा है पहाड़, तो कितनी दूरी तक पहाड़ पे चढ़ा, क्वेश्चन दिया जाएगा कि पहाड़ की जो डिस्टेंस है लैटरल डिस्टेंस वो दिया है 80, पहाड़ पे हम एबी मिड डिस्टेंस तक चढ़ते हैं, चढ़ते समय मेरा थीटा एंगल 30 डिग्री होता है, कुछ दूर पूरा पहाड़ का जो एंगल है 45 है, जब कुछ दूर चढ़ते हैं तो देखते हैं कि पहाड़ मेरा 60 डिग्री के एंगल पे दिखाई दे रहा है, और इस पहाड़ की जो जमीन से जो हाइट है वह हाइट h मीटर है, तो बताइए कि बंदा कितनी दूर तक चढ़ा, या फिर पहाड़ की पूरी हाइट कितनी है, लैटरल हाइट नहीं जमीन से हाइट कितनी है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या है, नोट भी करते रहना, क्वेश्चन क्या है कि एक बंदा है जो पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, तो पतंग उड़ाता है तो जो पतंग का जो रस्सी होती है कुछ इस टाइप से होती है, बट इस टाइप से कभी कंसिडर नहीं करना आप लोग, ठीक है। मान लेते हैं कि पतंग जो है कुछ सीधा डिस्टेंस है, यहां पे मेरा पतंग है, ठीक है, और यहां से जो मेरा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन पतंग को देख रहे हैं, तो मेरा एंगल है 30 डिग्री, इस पतंग की जो ऊंचाई है कितने, वो हाइट जमीन से उतरी है, वो उड़ रही है 100 मीटर की हाइट पे, यानी ये मेरा जमीन का फ्लोर है, सरफेस से यहां पे खड़े हैं, पतंग मेरा वहां है, वहां से अगर नीचे देखते हैं हम तो ये 100 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि जहां से तक वो खड़ा है उससे हम कितनी दूर पे खड़ा है, ना हम लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, जैसे ये मेरा घर है, यहां से हम पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग उड़ा रहे हैं तो उसके घर के छत के ऊपर पतंग है, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है कि ये जो बनेगा इन दोनों का रेशियो बनेगा, तो भाई tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पी बटा बी, पी कितना 100 मीटर, बी आपसे पूछ रहा यही,
तो भाई बी कितना, बी निकालना ही है, टेन तीस डिग्री कितना आता है, वन बाई रूट थ्री, तो सौ बटा रूट थ्री, ठीक है, तो बी बराबर कितना, हंड्रेड रूट थ्री। ये रहा बुक का मेथड, जो बंदा कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ता है कहीं, वो खुद से बनाएगा तो ऐसे बनाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हम लोग अपना एडवांस लगाते हैं, जो किसी टीचर से पढ़ता है वो करेगा क्या कि टेन तीस डिग्री बराबर क्या होता है, वन बटा रूट थ्री, तो वन यहाँ रूट थ्री यहाँ, तो एक का वैल्यू सौ के बराबर, तो रूट थ्री का वैल्यू कितने के बराबर, आंसर इतना लिखना नहीं पड़ा, ठीक है। चल पांच क्वेश्चन देखोगे तो पता चल जाएगा, मिटा रहे हम बनवाएंगे इस पे, टेंशन मत लो, सबको देंगे लैंग्वेज, सर समझो ना क्या है, ताकि हम वीडियो थोड़ा बंद कर दें, ठीक है। और देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये पॉल है, जो लिख सकता है हाथ चला जाता लिख लेना, नहीं तो मत लिखो, हम क्वेश्चन देंगे अभी लिखवाएंगे। एक पोल है, पोल की जो हाइट है लैंप पोस्ट की, ए बी हाइट तक है, तो समझ ही सकते हैं क्या हो रहा है कि इसका जो शैडो है यहां तक पड़ रहा है, ये दिया है डिस्टेंस आपको 100 मीटर का डिस्टेंस दिया है, कि लैंप के पोस्ट से हम 100 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, और जब लैंप को देख रहे हैं तो वो 30 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हम पोल के नजदीक में गए, ठीक है, पोल के नजदीक में गए, तो पोल की कुछ दूर नजदीक में गए, तो अब जो मेरा यहां से जो दूरी है वो हो गई मेरी दूरी, मान लेते हैं 30 मीटर, ठीक है। हम अपने से क्वेश्चन दे रहे हैं, तो यहां मेरा एंगल हो जाता है 60 डिग्री का, तो आपसे पूछ रहा है बताइए पोल का ऊंचाई कितना है, क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। कह रहा कि एक पोल है जिसका हाइट कुछ होगा, हमको नहीं पता, लैंप का पोस्ट है, वहां से लैंप जल रहा है, उसमें हम कुछ दूरी में खड़ा है 100 मीटर के डिस्टेंस पे, तो यहां से जब पोल को देखते हैं तो यहां से जो मेरा एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, कुछ दूर हम आगे बढ़े तो अब मेरा एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, अभी मेरा डिस्टेंस कितना दिखा रहा है 30 मीटर, ठीक है। हम आपको एक बुक का मेथड, जो खुद से बंदा पढ़ता है वो हम आपको दिखाते हैं, जो बंदा खुद से बुक से पढ़ता है तो वो क्या करेगा, टैन 60 डिग्री, सबसे पहले तो भाई टैन 60 डिग्री इसको पी मान लेते हैं, टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है पी बटा बी, तो पी बटा 30, ठीक है। टैन 60 कितना रूट थ्री, पी बराबर कितना 30 रूट थ्री, तो मेरा ये पता चल गया कितना 30 रूट थ्री, ठीक। हमको ये पता चल गया, हम यही निकाला था ना जी, सर जानना था ये वाला 30 डिग्री 60 डिग्री की डिस्टेंस, कुछ क्वेश्चन चलिए कोई बात, उल्टा पटा लिख दिया है पर आंसर आ गया, ठीक है। ख्याल तो ऐसे भी इजी वे में बन ही गया, बट अगर हम रेशियो मेथड लगाते तो और इजी वे में बनता है, टैन 60 बराबर कितना होता है रूट थ्री, ठीक है, तो रूट थ्री बटा वन, एक का वैल्यू 30 के बराबर, तो रूट थ्री का वैल्यू कितना 30 रूट थ्री के बराबर, ठीक है, ये तो बिना कुछ लिखे ही बन सकता था। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल डिटो सेम है, थोड़ा समझ ही लो तो अच्छा रहेगा। क्या आ रहा है कि एक लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट पे हम यहां पे खड़े हैं, कुछ दूर पे खड़े हैं, लैंप पोस्ट है वहां से हम कुछ दूर पे खड़े हैं, तो कुछ दूर पे अब क्या हो रहा है कि लैंप पोस्ट के नजदीक जाते हैं, मान लेते हैं कि 10 मीटर तक चले, 10 मीटर तक चले हम, तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, तो बताइए कि लैंप पोस्ट की ऊंचाई कितनी है, क्वेश्चन क्लियर। एक लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट से हम कुछ दूरी पे खड़ा है, अब यहां से हम 10 मीटर इसके पास चले लैंप की ओर, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, तो बताइए कि लैंप पोस्ट की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। चलिए तो हम पहला मेथड देखते हैं जरा, तो भाई टैन 45 ये कितना वन बराबर पी बटा बी, यानी ए बी बटा बी डी, कुछ मान लेते हैं इसको, ठीक रहेगा ना, पी बटा एक्स, तो पी बराबर था एक्स, यानी दोनों बराबर हो गया। अब बोल रहा है क्या, ये टैन 30 ना, तो टैन 30 थोड़ा डिटेल भी पता होना चाहिए,
टैन थीटा इज इक्वल टू कितना 1 बटा ये बटा कितना 10 प्लस x बराबर कितना मान है तो 10 प्लस p tan 30 कितना 1/√3 तो p बटा 10 प्लस p तो 10 प्लस p इधर गया बराबर p √3 10 को यही रहने दिए p √3 माइनस 1 ऐसा चला गया ना तो p बराबर कितना 10 बटा √3 माइनस बन गया ना थोड़ा स्टेप गया अब थोड़ा जो बंदा बुक से पढ़ता है सेल्फ स्टडी मारता है मैक्सिमम बंदा ये तरीका अप्लाई करता है और इसी में अपना स्पीड बहुत अच्छा करता है बट सोचो अगर वो ये टेक्निक जानता जो भी हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि 45 डिग्री तो टेन 45 डिग्री कितना होता है 1 तो 1 बटा 1 हो गया ना इसी को देखो कुछ लिखेंगे नहीं मिटा देना हम टेन 45 डिग्री 1 बटा 1 ठीक है एक रेशियो में थोड़ा देख लेते हैं तो भाई अच्छा नहीं नहीं इसके पहले का एक फॉर्मूला याद करो तो ऐसा फोटो था एक तो फॉर्मूला था कौन सा बोलो तो ए बटा कॉस माइनस वाई तो ए का वैल्यू कितना 10 कॉट 30 x का वैल्यू यही ना कॉट 30 कितना 3 माइनस 1 कुछ गड़बड़ हो गया का मरी ना हम लोग थोड़ा क्विक बना लिए तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और मेरा नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा ये हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 है ठीक है ये रहा थ्योरी चलिए थैंक यू